हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलम्स रसोई। चलिए आज बनाते हैं ठेले जैसी पिस्ता कुल्फी रोल और मटका कुल्फी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। कटोरी में दो कलछी दूध निकाल लेंगे मिल्क पाउडर घोलने के लिए। एक चौथाई कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। घोल को दूध में मिलाएंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे। कढ़ाई में लेंगे एक तिहाई कप चीनी और इसे कैरेमलाइज कर लेंगे। इसी से कुल्फी में कलर और मिठास आएगा। चीनी कैरेमलाइज हो गई है, इसमें गोल्डन कलर आ गया है। इससे ज्यादा डार्क इसे नहीं करेंगे, नहीं तो कुल्फी कड़वी हो जाएगी। इसे फटाफट दूध में पलट लेंगे और लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। दूध पकते पकते आधे से भी कम हो गया है, आप देख सकते हैं दूध में कुल्फी का कलर आ गया है। अब इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ पिस्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद यह थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें छोटे छोटे गांठे भी पड़ गई हैं। अब मैं इसे कलछी से इसी तरीके से फेंट लूंगी ताकि जो गांठे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इसे हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं या फिर मिक्सी जार में डाल के एक बार चला लीजिए और यह अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। कुल्फी रोल बनाने के लिए इसे किसी ग्लास में भर लेंगे और इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे ताकि इस पे बर्फ की परत न जमे। अब आधा मैं इस चाय पीने वाले कूलर में डाल रही हूँ ताकि मटका कुल्फी भी बन जाए। ऊपर से थोड़ा कटा हुआ पिस्ता डालेंगे और इसे भी फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। सात से आठ घंटे इन्हें फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे या फिर रात भर के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से जम जाएंगे। आठ घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से जम गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कुल्फी जम के तैयार हुई है। इसे डीमोल्ड करके पीसेस में कट कर लेंगे और गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते से। कुल्फी रोल और मटका कुल्फी दोनों बनके तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पे शेयर कीजिए और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।